और गाइस गोरखपुर महोत्सव में गाड़ी का प्रचार भी हो रहा है। ये मैं दिखा दूं कौन सी गाड़ी है, KTM। KTM शिवकुमार, शिवकुमार भाई लेने वाला है KTM गाइस। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गोरखपुर की गलियों से। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में शिमला वाली ठंडी के साथ। गाइस मैं बता दूं बहुत ही जबरदस्त ठंडी पड़ रही है और इसी ठंडी में गाइस बहुत दिनों के बाद हम लोग गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर जाना बहुत ही जरूरी है गाइस, क्योंकि मुझे लेना है मेरी दुकान का सामान गाइस। तो चलते हैं और ठंडी का माहौल दिखा दे गाइस। और मैं आज पैरा कमांडो बन के निकल रहा हूँ गाइस, तो देखेंगे पब्लिक का रिएक्शन भी और घुमाते हैं गोरखपुर की नगरी। पैरा कमांडो बन के हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर नगरी। और गाइस कल से ही गोरखपुर महोत्सव स्टार्ट हुआ है, ये देख सकते हो गाइस। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं। हम लोग गाइस अभी अपनी धनों को पार्क में लगा रहे हैं, पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, बाहर ही करनी पड़ रही है पार्क। गाइस कल से ही महोत्सव स्टार्ट है और हम लोग पछता भी रहे हैं, कल बहुत ही अच्छे सिंगर भी आए थे। शिवकुमार कौन आया था? दीप राग। गाइस बॉलीवुड के सिंगर थे बहुत ही अच्छे, दीप राग। तो हम लोग गोरखपुर आए थे तो सोच ले भाई यहाँ भी घूम लेते हैं और आपको भी घुमाते हैं गोरखपुर महोत्सव। लेकिन गाइस कल हम लोग नहीं आ पाए। ओहो भाई शानदार। शिवकुमार भाई बोल रहा है कि असली मजा कल ही था, दीप राग आए थे। भाई मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था, भाई को पता था लेकिन मुझे बताया बाद में, नहीं तो मैं कितनी भी क्या शिमला वाली ठंडी पड़ रही है मैं जरूर आया होता। और ये देख सकते हो गाइस गोरखपुर महोत्सव का नज़ारा। अरे यार शिवकुमार ये क्या है? और गाइस गोरखपुर महोत्सव में गाड़ी का प्रचार भी हो रहा है, ये मैं दिखा दूं कौन सी गाड़ी है। KTM। शिवकुमार भाई लेने वाला है KTM गाइस, लेना है ना? एक ना एक दिन तो लेना ही लेना है, इसके लिए अभी थोड़ा कमाना पड़ेगा, हैसियत बनाना पड़ेगा। और वहाँ पे गाइस चल रहा है शो, और यहाँ पे शो स्टार्ट होगा रात में। आज आने वाले हैं सिंगर, भोजपुरी कलाकार आने वाले हैं। साउंड बहुत ही तेज चल रही है तो मैं भी तेज बोल रहा हूँ। ओ गोरखपुर महोत्सव। अभी जहाँ पे मनोरंजन होता है गाइस, हम लोग चल रहे हैं अंदर। सभी कलाकारों के लिए, सभी कलाकारों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। हमारे बीच में अंजना जी, एक बार तालियों के साथ स्वागत करिए। गोरखपुर महोत्सव का आनंद भी गाइस इसी के साथ एक बहुत पुराने गाने के साथ में, लेकिन टाइम बहुत है जो बहुत ही पुराना सॉन्ग है शाम को, और ये सामने महोत्सव चल रहा है उस टुनटुन जी का। तो ये भोजपुरी सिंगर है। हम लोग और भी नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से दिखाई नहीं दे रहा था क्लीन। तो अभी ये सबसे नजदीक हम लोग, शिवकुमार भाई किधर है यार? उनकी रक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो खाली है। एक दासी पुत्र बंदी को चित्तौड़ कभी सहन नहीं कर सकेगा, कभी नहीं। लेकिन मेरा पुत्र चंदन कहाँ रहेगा? ये यहाँ 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 जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। और ये गाइस मेरे महाराजा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। और ये देख सकते हो गाइस सामने एक्टिंग चल रही है, नमक से ही तो रक्त बनता है। जूम करके रक्त से नमक नहीं, मैं करूंगी कुंवर जी की रक्षा, मैं करूंगी। मैं क्या करूं, मुझे उन सैनिकों की सहायता भी न मिलेगी। हे भगवान अब मैं क्या करूं, क्या करूं?
हाँ, मैं झूठे बर्तन उठाने वाली कीरत पे विश्वास कर सकती हूँ, उसे तो कोई नहीं रोकेगा और उस पर किसी को अरे चंदन तुम आ गए, ये क्या तुम्हारे पैर से तो रक्त निकल रहा है पुत्र, लाओ मैं बांध देती हूँ। गाइस एक घंटे तक हमने गोरखपुर महोत्सव का आनंद लिया है और भी गाइस मैं दिखाता हूँ, बाहर मेला भी लगा हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस अलग अलग कलाकार देखने को मिल रहे हैं गोरखपुर महोत्सव में और हम लोग दो घंटे से घूम रहे हैं गाइस। ये आप देख सकते हो, ये क्या बोला तुमने, राजस्थानी डांस गाइस, हाँ वही राजस्थानी डांस ही लग रहा है। गाइस गोरखपुर महोत्सव में हम प्लानिंग बनाएंगे, रात को भी आएंगे, रात का क्या नजारा है वो भी दिखाएंगे। और यहाँ बाहर मेला लगा हुआ है गाइस, कपड़े वगैरह गिफ्ट वगैरह सारे सामान भी मिले हुए भाई, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुर्सियाँ वगैरह सारी चीज, ये ठंड का सामान। हमारी प्लानिंग बन भी गई है, आज शाम को आएंगे जरूर, वो दूसरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और ये प्लानिंग शिव कुमार भाई की है क्योंकि भाई बोल रहा है कि भोजपुरी एक्ट्रेस भी आएंगे, भोजपुरी सिंगर भी आएंगे, तो वो आपको दिखाएंगे हाँ। और सबसे पहले आके आगे का जो जगह है वो हम लोग छिका लेंगे सही रहेगा। तो अभी गए हम लोग आधे घंटे बाद यहाँ से घूम के निकलेंगे, मार्केट करेंगे दुकान का, सीधे उसके बाद निकलेंगे घर। ये देख सकते हो गाइस खाने पीने की भी यहाँ पर सारी पूरी व्यवस्था है, ये देख सकते हो। मुंह में पानी आ रहा है भाई, लेकिन मैंने ये सब खाना पीना छोड़ दिया है भाई, बर्गर चाट फुल्की आइए स्पेशल गर्मा गर्म आएगा शिव कुमार भाई कुछ, हाँ शिव कुमार खाना है, रसमलाई है ना, निकाल दो लोगों। और गाइस देखते देखते हमने प्लानिंग बना लिया है रसमलाई का, शिव कुमार भाई बोला यही खाएंगे क्योंकि सबसे रसमलाई है, क्यों है जो है। और ये क्या है, छप्पन भोग है ना, छप्पन भोग खाते हैं, रसमलाई तो हमने बहुत खाई है, छप्पन भोग खिलाई है भैया। ये देख सकते हो गाइस खाने पीने का आइटम बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है, वो सारा आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक खाने पीने का ही सामान है भाई। और ये आ गए, ये क्या है, छप्पन भोग गाइस, पहली बार छप्पन भोग मैं खाने जा रहा हूँ, वैसे तो रसगुल्ला गुलाब जामुन बहुत खाया है। थैंक यू गाइस, मजा गया यार छप्पन भोग खा के, ये छप्पन भोग नहीं 100 भोग, कैसा रहा सिकुमर भाई, मजा आया ना। और इस समय शिव कुमार भाई का जेब गरम है, यही पेमेंट कर रहा है गोरखपुर महोत्सव में। और गाइस मैं बता दूं, मैंने भी पैरा कमांडो वाला अपना शक्ल निकाल के हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंडी बहुत ही भयंकर गाइस, ये जो मैं पैरा कमांडो बन के निकला था पूरा शक्ल ढक के, यहाँ पे इतना प्रशासन था उन्होंने खुद निकलवा दिया है और मुझे ही पकड़ के चेक कर रहे थे लोग, मैंने देखा मुझे बुला के लोग चेक कर रहे थे, लग रहा था कि मैं डाकू हूँ। तो गाइस मैंने निकाल दिया है, ये स्टेप अपना स्टेप बदल दिया है। और गाइस घुमाते हैं आपको, हमने छप्पन भोग खा लिया भाई, मजा आ गया यार खा के। यहाँ पे खाने पीने वाला जो सामान मिल रहा है ना पूरा ओरिजिनल मिल रहा है भाई, मैं बता दूं तो। और प्लानिंग आज हमारी शाम को बिल्कुल बन चुके 100%, हम लोग आएंगे शाम को गाइस और दूसरे ब्लॉग में आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस भोजपुरी, अगर पवन सिंह आ जाते तो यार भाई जलवा रहता, लेकिन कुछ हो भी सकता है क्योंकि अरे रवि किशन जी का बात है भाई, वो तो आएंगे, रवि किशन शुक्ला जो हमारे गोरखपुर के सांसद भी हैं और अच्छे अभिनेता भी हैं। तो अभी के लिए हम लोग निकलेंगे मार्केट करने और बाहर चलते मैं अपना पैरा कमांडो वाला लुक लूंगा क्योंकि ठंडी बहुत ही भयंकर है भाई। तो निकलते गाइस गोरखपुर महोत्सव से बाहर, करते हैं मार्केट और शाम को हमारी प्लानिंग रहेगी गोरखपुर महोत्सव में, दिखाते हैं आपको स्टार भोजपुरी के स्टार
एम सिंगर। फाइनली हम आ चुके हैं अपनी धनों के पास और ड्राइव करेगा शिव कुमार भाई, क्योंकि भाई शिमला वाली ठंडी पड़ रही है और मैंने अपना पैरा कमांडो वाला लुक अभी ले लूंगा। तो गाइस शाम की तो प्लानिंग हमारी हो चुकी है, 100% हमको आना है शाम को गाइस, और शाम को दिखा गोरखपुर मौसम में भोजपुरी एक्ट्रेस एंड भोजपुरी सिंगर को। तो गाइस सभी के लिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।